नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा आज के इस लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं खंड समाकलन। अपन ने आगे दो चार विधियाँ थी समाकलन में, एक थी अपने पहले मानव सूत्रों के द्वारा क्वेश्चन हल करना, फिर था प्रतिस्थापन, और तीसरी थी आंशिक भिन्नों के विभाजन से, और अब चौथी अपने अंतिम है, वो है खंड समाकलन। खंड समाकलन जो आपके इस इंटीग्रेशन चैप्टर की मेन जो पार्ट है वो है खंड समाकलन। इसी से आपके बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आपके पूछा जा सकता है, तो इसलिए आज अपन पढ़ने वाला है खंड समाकलन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन सिर्फ इसके स्टार्ट बेसिक ही पढ़ेंगे, फिर कल से इसका कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके होंगे वो। तो आज अपन सिर्फ इसके बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, खंड समाकलन। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड समाकलन समाकलन। खंड समाकलन क्या है? फलों के गुणनफलों का समाकलन, ठीक है, फलों के गुणनफलों का समाकलन। जैसे कि यानी अपने फलों के गुणनफलों का समाकलन, खंड समाकलन क्या होता है? आपको अगर आपके बोर्ड में कोई कभी किसी आ जाएगा, कभी आ जाएगा खंड समाकलन क्या है, तो फलों के गुणनफल का समाकलन। फलों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है? खंड समाकलन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला होगा, उससे अपन खंड समाकलन क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे अपन आइलर के क्वेश्चन भी कहते हैं, मतलब आइलर फॉर्मूला होता है जिसमें अपन उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? यू वी और डी एक्स, ठीक है, यू अपॉन डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यू फिर डी का समाकलन, फिर माइनस यू, ओके, माइनस यू नहीं आएगा, आपका ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट डी वी अपॉन डी एक्स, पहले इसका पूरा समाकलन, फिर ओके। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पास फॉर्मूला है यू वी डी एक्स, यू वी डी एक्स समाकलन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यू फिर यू ऐसे कैसे रहेगा, फिर वी का समाकलन, फिर माइनस डी, पूरे पहले डी यू अपॉन डी एक्स का अवकलन होगा, फिर वी का समाकलन होगा, फिर पूरे का अवकलन समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मतलब यहाँ पर अपने पास दो फलन है, तो अपन समझ सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफलों का खंडस, ठीक है, समाकलन, दो फलनों के गुणन का समाकलन क्या होगा? दो फलनों के, तो ये अपन इसको प्रथम फलन मानते हैं, तो प्रथम फलन ऐसे कैसे रहेगा आपके पास, ठीक है, प्रथम फलन आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, फिर दूसरे फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का फिर माइनस कर देंगे, माइनस लगा तो माइनस, फिर प्रथम फलन
का अवकलन तिरापिस द्वितीय फलन समाकलन। ओके, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि दो फलनों के गुणन का समाकलन। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रथम फलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो अब ये तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया इसका। ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के बाद अपन इसको किस प्रकार, अपन कुछ अपने पास आएगा कि अपने पास जैसे आ गया, क्वेश्चन आ गया एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो अपन इसमें कैसे देख सकते हैं कि अपने पास प्रथम फलन क्या है, द्वितीय फलन क्या है? तो इसके लिए खंडित समाकलन में एक रूल है, इसमें उसके कहते हैं आईलेट। ठीक है, तो इसमें आईलेट में क्या होता है, अपन पढ़ते हैं कि उसमें फर्स्ट और सेकंड फलन का निम्न अनुसार समाकलन करते हुए। ठीक है, तो प्रथम खंड समाकलन के फर्स्ट और सेकंड का फलन का समाकलन चयन करना है अपन को। ठीक है, ये अपन ने खंड समाकलन उसमें फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन किस प्रकार करते हैं वो अपन को कैसे पता रहेगा, ये फर्स्ट में जो अपन को ध्यान रखना है खंड समाकलन में। तो उसके लिए अपने पास एक, सर्वप्रथम आप ये पहले उतार लीजिए, फिर मैं दूसरा आपको आके बताता हूँ। करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसको उतार लिया होगा। अब आगे आगे शुरू करते हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे, आईलेट लिखा होता है, आईलेट। आईलेट, ठीक है। तो अब इसमें आईलेट में है, तो सबसे पहले इसमें उसकी फुल फॉर्म देखते हैं। आईलेट मतलब इंट्रीगेशन, मतलब इनवर्स इन ट्रिग्नोमेट्री फलन, सॉरी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन, इंट्रीगेशन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका क्या है, लॉग, लघुगणक फलन। ठीक है, फिर ये क्या है अपने पास, ए एलजेब्रिक एलजेब्रा। ठीक है, फिर ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है अपने पास, चर घातांकी फलन। ई एक्स वाले जो फलन होते हैं ना, वो वाले, ये वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन, फिर ये है लघुगणकीय फलन, फिर ये है अपने पास एलजेब्रिक। ठीक है, एलजेब्रा, फिर अपने पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है अपने पास, चर घातांकी। ठीक है, तो अपने इसको लिख लेते हैं पहले। ये अपने पास क्या है, अपने पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। ठीक है, फिर अपने पास दूसरा क्या है, लघुगणकीय फलन, इसमें अपने पास उदाहरण के लिए अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इसमें होगा लॉग एक्स, इसमें अपने पास होगा एक्स
वो इसमें आपके पास होगा साइन एक्स कॉस एक्स, बस होगा ई एक्स वाले फलन। ठीक है, तो आईलेट में क्या होगा, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये लघुगणक के फलन, ये बीजगणित है, ये त्रिकोणमिति और ये चर घातांक के फलन। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रथम इसमें अपन लाइन से चलेंगे, मतलब अपने पास जैसे कुछ क्वेश्चन आ गया, अपने पास ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का अब समाकलन करना है अपने को, तो कैसे करेंगे अपन समाकलन इसका, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये किसमें आएगा अपने पास, बीज गणित में आएगा, और साइन इनवर्स इसमें आएगा प्रतिलोम त्रिकोण में जाना। तो इस लाइन में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, आईलेट लिखते हैं तब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आ रही है। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट पोजिशन पे क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास है यू डॉट वी डी एक्स का, ठीक है, तो उसमें अपने पास फर्स्ट पे क्या आएगा, अपने पास फर्स्ट पे क्या आएगा, यू क्या अपने पास साइन इनवर्स है और वी क्या अपने पास एक्स स्क्वायर है। इसी प्रकार जैसे दूसरा अपन देखते हैं, जैसे कि आपने ले लिया, आपने ले लिया जैसे साइन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आ गया कि साइन एक्स लॉग एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो उसमें अपने पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है सेकंड पे क्या है वो देखना है। तो फर्स्ट पे लॉग इस आईलेट से देखेंगे, फिर आईलेट का उपयोग करके, तो आईलेट में फर्स्ट पे क्या आ रहा है लॉग आ रहा है फर्स्ट, तो अपने पास यू क्या हो गया लॉग, सेकंड क्या रहा है साइन, तो साइन मतलब ये किसमें ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये किसमें आता है अपने पास, इसमें आता है टी एफ टी पे आ रहा है, तो ये अपने पास सेकंड होगा। तो इस तरह अपन खंड समाकलन के क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें पास उनको पहले फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फिर सबसे पहले अपन को पता क्या होना चाहिए कि इसमें आईलेट अपन को फॉर्मूला याद है, अपन को ये नहीं आता कि आईलेट में अपन कैसे पहले फर्स्ट पे क्या कौन से किसको रखना है सेकंड पे किसको मानना है, ये ध्यान नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले अपन आईलेट देखेंगे इसमें फर्स्ट पे कौन है सेकंड पे कौन है, अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो आज अपन ने बेसिक पढ़ा है कि अपन खंड समाकलन के फॉर्मूला कैसे होता है, और उसको कैसे पता लगाया कि वह खंड समाकलन क्वेश्चन है, और उसको हल करने के लिए उसमें फर्स्ट और पोजिशन के फॉर्मूला का उपयोग कैसे कर सकते हैं आज अपन ने ये पढ़ा। तो मैं आज आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको कुछ भी डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो और आगे से अगर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।